मेरा नाम मोहम्मद अकबर है, मैं बिस्मिल्लाह कॉलोनी से बात कर रहा हूँ भाई। इतवार के दिन मेरे घर वाले मेरे से मतलब कुछ भी नहीं, वालदा के पास छोड़ो बोले, चले गए, वहीं बैठ गए और जाके थोड़ी बहुत बहस हो गई हम लोग से, नहीं आते बोले तो मेरी भी सेकेंड मैरिज थी, उनकी भी सेकेंड मैरिज थी, हम दोनों सेकेंड मैरिज करे थे भाई, मेरी भी सेकेंड थी उनकी भी सेकेंड थी। आज अचानक से ये अटैक हो गया मेरे पे, मैं बैठे हुआ था तो अचानक से आके करीम नाम का शख्स मेरे पे अटैक कर दिया। अटैक करने की वजह क्या है ये मेरे को नहीं मालूम है भाई, इसकी वजह यही हो सकती कि हमारे वाइफ करा सकते भाई, दूसरी कोई बात नहीं है। और छोड़ो बोले तो खुला दियो बोल तो भी नहीं दे रहे, क्या वजह है नहीं मालूम भाई। बड़े बड़े लोगों के नामा लेके डराते, अब वो बड़े बड़े लोगों का क्या मसला है मेरे को नहीं मालूम भाई। अब कुछ भी बात के लिए सेटलमेंट के लिए चले आते हैं भाई, सेटलमेंट सेटलमेंट सेटलमेंट, तीन चार बार सेटलमेंट कर करके तंग हो गया भाई मैं बहुत। ये गुजारिश है बस आप लोगों से, मेरे को इंसाफ होना भाई। मेरे को शादी हो गया कितना टाइम हुआ? मेरी शादी हो गया 8 महीने हो गया, 8 महीने में बहुत टॉर्चर हो गया भाई, उल्टा जाके मेरे पे कंप्लेंट करा देते, मैं कभी एक मारा ना कभी एक तोड़ा। वो करीम नाम का शख्स पहले से उनके टच में है, वो मेरे को नहीं मालूम था, शादी के बाद सब मैटर मालूम हुआ। वो शादी के बाद मैटर मालूम होने के बाद भी मैं कुछ नहीं बोला, चलो अपन कर लिया अपनी इज्जत है, इज्जत को ढाप के रखना बोल के मैं कुछ भी नहीं बोला, बस इन लोगों के दोनों के ऊपर एक्शन लेना भाई। वो कॉम्प्रोमाइज उम्प्रोमाइज मैं करने वाला नहीं हूँ और कॉम्प्रोमाइज मेरे से होता भी नहीं भाई। कॉम्प्रोमाइज कराने के नाम पे मेरे को डराए थे, फिर इन लोग डराने लगा थे। नहीं अभी उन लोग की बात होती भाई कॉम्प्रोमाइज के लिए, अभी मैं मीडिया में डाला कंप्लेंट दिया तो बोलते कॉम्प्रोमाइज कराओ कॉम्प्रोमाइज कर दो, लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ भाई। मेरी जान ले लिए परवाह नहीं है, मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को इन लोग से दोनों से भी जान का धोखा है भाई। आज फर्स्ट टाइम भाई वो लड़ाई के टाइम बोला था उन्हें बीच में आके तेरी गर्दन उड़ाया तो बोल के, आज मैं वाले बाल बचा, मैं भागने में कामयाब हो गया बोल के बचा भाई। मैं भी हैंडीकैप हूँ, मेरे सर पे मारे, मैं अभी उस्मानिया में हूँ। देखिए भाई मैं रिपोर्ट्स करा के आ रहा हूँ, अभी बता दो आपको, ये रिपोर्ट्स करा के आ रहा हूँ भाई। वो नहीं मालूम हुआ भाई, चक्कर खा के गिर गया मैं, वो अंधेरी गली थी एकदम से, मैं बैठे हुआ था, मैं जहाँ बैठता हूँ मेरी वाइफ को मालूम था खाली, उनका नाम रुखसाना बेगम है, उनको पहले के 2 बच्चे हैं और पहले के हस्बैंड भी थे, उनसे खुला हो गया था उनका। अभी ये क्या वजह है मेरे को मालूम नहीं हुआ भाई, अचानक चले गए, अचानक जाने के बाद ये हमला करा दिए। अभी इससे पहले इतवार के दिन मेरे नाम पे उल्टी झूठी कंप्लेंट दे दिए थे बालापुर PS के अंदर। तो जब आपके ऊपर जब लास्ट टाइम हमला नहीं हुआ बोल रहे आप, आज फर्स्ट टाइम हमला, फर्स्ट टाइम हमला हुआ भाई, फर्स्ट टाइम हमला हुआ। तो आपके वाइफ, आपका शुभा है कि आपके वाइफ हमला करा है? हाँ बेशक उन्होंने हमला करा है, क्योंकि उनके टच में है भाई, उन्होंने उनके टच में है भाई, वो करीम नाम का शख्स उनके टच में है, करीम नाम का शख्स उनके टच में है। तो आप शादी से पहले नहीं मालूम था क्या? शादी से पहले नहीं मालूम था भाई, शादी के बाद बहुत कुछ मालूम हुआ। बड़े बड़े लोगों के नामा लेके डराते, जैसे कि उमर बाम बोलते भाई, उन लोग वैसे नहीं है लेकिन नाम लेके इन लोग यूज़ कर लेते नाम, लेकिन वैसी बात नहीं है, लोगों का नाम लेके खाली पीली के डराते। मेरे बड़े भाई है बोले तेरी गर्दन उड़ाए तो बोले, मेरा PS में भी कोई बाल बाका नहीं होता बोले, कोई सी भी मीडिया में डाल ले बोले कुछ नहीं होता बोले, ऐसा ऐसा बोल के डराते भाई। लड़ाई के दिन बहुत, इतवार के दिन बहुत बात आऊँ भाई, मेरी गर्दन उड़ाया था, इन्हें होता कौन मेरी गर्दन उड़ाने वाला। और ऑफिस में आके बात हुई, वहाँ पे हमारे भाई लोग की ऑफिस है भाई, वो लोग सही फैसला करते, वहाँ पे ऑफिस में आके बात हुई तो 6 से 7 जने आए भाई मेरे को मारने के लिए, वो भाई लोग थे फिर भी समझा लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए ना भाई। जोर उमरत के आपसी मसले में लोग आते क्यों, सिविल मैटर में लोग आते क्यों?